चल रही है बिलिंग किसकी चल रही है कौन पेशन का है इनको कैंसिल हो रहा है ये जो खड़े भैया अच्छा यहाँ पे कौन सी इनवॉइस चल रही है इनकी चल रही है अभी खाली हो रहा है मेरी फाइल वहाँ पे भेजो इनका हो जाएगा तो मेरा फाइल ले लो बात बैठने की नहीं है 4 बजे की अपॉइंटमेंट ली है फोन करके तो उन्होंने कैसे अपॉइंटमेंट दी 4:00 की क्या नाम यहाँ पे रिपोर्टिंग का टाइमिंग होता है They're asking to wait. There are people ahead. दो पेशेंट है yes. मैं खड़ी हूँ ना यहाँ पे कोई दिक्कत है ना खड़ी रहूँ नहीं मुझे दिक्कत नहीं है दूसरे पेशेंट को दिक्कत कौन सा दूसरा कोई आते हैं ना पेशेंट हाँ तो जब आएंगे तो आप मैंने मेरी फाइल करी तो मैं हट जाऊँगी ना आप तो मेरी फाइल करेंगे तो मैं हटूंगी ना कैसे Standing in the line, trying to figure out my file, my father's file. Because India में ये लोग line line बोलते हैं मगर ये लोग अपने हिसाब से line बनाते हैं तो मैंने सोचा मैं जब line में हूँ तो line में ही खड़ी रहती हूँ है ना मैं क्यों जाके बैठ जाऊँ इनको दिखाना है कि इनका VIP culture नहीं है ये तो सबको पता है ना दिखाने के दांत क्या होते हैं जब लाइन होती है ना तो लोग लाइन में खड़े रहते हैं सो दैट उनकी फाइल हो और वो जाए नहीं हम यहाँ पे लाइन नहीं रखते हम हाँ, ये फीडबैक जाएगा कि जब लाइन है तो लाइन में लोग खड़े रहेंगे तो आपके सर पे भी लोग खड़े हैं तो आप भी काम करेंगे ठीक है ना क्योंकि हमको भी काम होता है ना हम तो काम कर ही रहे हैं तो पेशेंट क्योंकि लाइन है तो लाइन में लोग खड़े रहेंगे ना तो फिर आप क्यों लोगों को बोल रहे जाके बैठ जाओ लाइन है तो लाइन में लोग खड़े रहेंगे ना फिर आप लोगों को बोलो मत ना बैठने के लिए मुझे इंचार्ज है उनका फर्ज से बोल रहे मुझे डिटेल पेशेंट की सिस्टम में डाली है आपको पता चलेगा कि पेशेंट लास्ट टाइम कब आए 800 रुपीज में ये कार्ड है यस नो वर डॉक्टर साहब को कितना टाइम लगेगा डॉक्टर साहब को कितना टाइम लगेगा इन्फॉर्म किया मैडम हाँ असिस्टेंट डॉक्टर है डॉक्टर नहीं मैडम मैं आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने क्या नाम है आपका मैडम नम्रता कितना टाइम लगेगा बिकॉज ओल्ड पेशेंट को 4 बजे का टाइम दिया था अगर लेट होता तो मैं उनको लेट लेके आती तो 4 बजे का टाइम दिया था इसलिए मैं टाइम पे लेके आई हूँ मैंने उनके असिस्टेंट डॉक्टर हूँ शाना मैडम उनको कॉल किया जैसे अंदर फाइल होगी मैंने उनको बोल दिया कि लोकेशन ठीक है थैंक यू मैडम उनको असिस्टेंट को कॉल कर दिया क्योंकि देखिए तो फिर मैं रिफंड ले लूँ क्या करूँ बताओ 4:30 हो जाते हैं ना तो क्या करना है आप एक टाइम तो बताइए ना डॉक्टर से बात करने तो वेट करो बैठ के उसके बाद फिर बात हुआ मेरी बोलो पायल जी को 15 मिनट लगेगा तो उनके बाद 15 मिनट के बाद हमारे को पहले ले रहे हैं क्योंकि मेरे फादर को अगर टॉयलेट आ गया कुछ हो गया तो फिर अब हाँ बिकॉज पॉटी आ गई कुछ आ गई तो फिर आगे से ना डॉक्टर साहब को बोलना कि ओल्ड पेशेंट्स को वही टाइम पे बुलाए जिस टाइम पे वो ले सकते हैं नहीं मैं वो फीडबैक में दे दूंगी ठीक है ना क्या नाम है आपका आपका नाम क्या है Who is this nurse? Excuse me, Dr. Saab, who is this nurse?
हाँ सो टॉक प्रॉपरली मैडम, रूडली बात मत करो, ठीक है ना? हम फ्री में नहीं घुस रहे आपके कैबिन के अंदर, तो तमीज से बात करो, अदरवाइज बात मत करो. सो यू वॉन्ट टू गेट योर ईयर क्लीन पापा? हाँ सो गेट योर ईयर क्लीन. पापा उस तरफ देखो और चुप रहो थोड़ी देर. सेम थिंग बैक से बोथ इयर्स मैं भी इनके साथ जा सकती हूँ अंदर, क्योंकि ये नर्स बोले कि बाहर खड़े रहो इसलिए क्योंकि बदतमीजी कर रही है. घर पे वैसे ही होता है वो कॉटन के ऊपर लगा दीजिए, फिर काम में रख दीजिए. अगर मैं ऑयल लगाता हूँ चलेगा? चलेगा वो भी बहुत ठीक है. हाँ कोई मतलब तो मिनरल ऑयल लगाइए दोनों कान में वैसलिन के वाले हैं, मिस जो भी मिनरल और ऑयल वाले कोन लगा दीजिए. यानी कह रहे हैं कि 970% मिनरल ऑयल वो कर सकते हैं. आपका फॉलो अप है कि न्यू विजिटर? हां पापा आपका फॉलो अप है कि न्यू विजिटर? न्यू विजिटर. ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए कि आप हर एक साल में एक बार आते हो दो बार आते हो. अभी तो मैं जरूरी नहीं है. अच्छा ऐसा कोई मेमोरी यू नॉट लूजिंग? यू अरे क्या है ना नॉट से कैंसर एओपीडी सॉफ्टवेयर मॉडल वो अभी एप्रो 500 कितना? 500 रुपीस. 500 और देना है, 800 आपने चार्ज किया और 500 किसके लिए? क्लीनिंग के लिए. ठीक है, अभी आपकी लाइन नहीं है ना? नहीं अभी तो नहीं. नहीं है, डॉक्टर साहब को बोल दीजिएगा, सबको बोल दीजिएगा, वेटिंग पेशेंट्स को मत कराइए, जो ओल्ड पेशेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन हैं, ठीक है? अदरवाइज रिफंड. ठीक है, हाँ यहाँ पे लिखवाइए कि आपने ईयर क्लीन किया है. हाँ लिख के आएगा, बिल में आएगा लिख के. मैं 40-45 मिनट्स तो मैं हरदम थोड़ा अभी आप लोगों को मैसेज कर सकती हूँ, तो अभी क्या करूँ? फीडबैक दे दूँगी ना, वेटिंग कराना है तो ठीक है ना, अभी क्या करें, हॉस्पिटल है क्योंकि सबको दिखाना है ना कि सब रूल्स फॉलो कर रहे हैं. तो रूल्स फॉलो करते हैं तो फिर सीनियर सिटीजन को 45 मिनट्स की वेटिंग कराएंगे तो उनकी तबीयत खराब होगी या टॉयलेट करेंगे तो हुज रिस्पॉन्सिबल? नर्सेज ज्यादा रूड बात करते हैं, मतलब ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम उनको गेट क्रैश करने जा रहे हैं, ऐसा थोड़ा होता है ना? इतने पुराने पेशेंट हैं तो ही हम लेके आ रहे हैं, अदरवाइज लास्ट टाइम मैं आई थी मुकेश जी को मिली और अपना काम करके निकल गई. ठीक है, बिल डाल दीजिए इसको. और मेरी नानी जो थी ना वो एक स्किन डॉक्टर के पास गई थी और वो स्किन डॉक्टर ने मेरी नानी को 2 घंटा वेटिंग कराया था. 2 घंटा वेटिंग कराने के बाद मेरी नानी को टॉयलेट आई एंड मेरी नानी वो क्लिनिक में बाहर आते वक्त गिर गई. ठीक है, वो लेडी ने क्यों मेरी नानी को 2 घंटा वेट कराया मुझे नहीं पता. ठीक है, और उसके बाद मेरी नानी जब घर पे आई तो अगले दिन फिर से गिर गई. सो आई एम नॉट सेइंग दैट द डॉक्टर डिड इट डेलिबरेटली, बट सॉरी दिस इज द थॉट प्रोसेस दैट आई हैव बिकॉज दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन माई हाउस. सीनियर सिटीजन्स को आप बिठा के रखते हो, कुछ लोग
बैठ सकते हैं, कुछ लोग नहीं बैठ सकते. एंड मेरी नानी का जो हेल्थ का डाउनफॉल था वो उस गिरने के बाद चालू हुआ. एंड आई फील समवेयर डॉक्टर्स आल्सो फील के पेशेंट ओल्ड हो गया है तो इट्स ओके, यू नो दे लिव देयर लाइफ. दे डोंट अंडरस्टैंड दैट फॉर द चाइल्ड देयर ओल्ड पेरेंट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. या सो यस आई डू बिहेव लाइक दिस वे एंड आई अपोलोजाइज इफ एनीबडी फील्स बैड बट दिस इज द वे आई एम. अगर मैं उस टाइम पे होती मेरी नानी के साथ और उनको स्किन डॉक्टर के पास ले गई होती देन आई प्रिज्यूम वो दो घंटे की वेटिंग नहीं होती. आई प्रिज्यूम लॉट ऑफ थिंग्स कुड हैव बीन अवॉइडेड बट वो उस स्किन डॉक्टर का कर्मा है एंड दैट स्किन डॉक्टर इज बेस्ड इन अहमदाबाद. आई डोंट वॉन्ट टू काइंड ऑफ इवन टॉक अबाउट हर ब्रांड बट इट्स हर कर्मा. या सो डॉक्टर्स वी अंडरस्टैंड आप पूरा दिन काम करते हैं, आपके पास खाने का टाइम नहीं होता, वॉट एवर लिटिल बिट टाइम यू गेट यू वॉन्ट टू स्क्वीज इन योर फूड. वी अंडरस्टैंड ऑल द प्रॉब्लम्स दैट यू गो थ्रू बट क्या होता है सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई सोल्यूशन होना चाहिए. वी अंडरस्टैंड आपके राउंड्स भी होते हैं, आपको ओपीडी भी देखना होता है, आपकी इमरजेंसी भी आ सकती है. वी अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड माई साइड ऑफ द स्टोरी. No hard feelings.